सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ 78 करोड़ का जल नल योजना घोटाला है। और यही नहीं, ये जो दोनों रंगा बिल्ला है जनार्दन भोक्ता, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कब तक आखिर भोक्ता तो जनार्दन, जनार्दन तो भोक्ता होगा। अब युवा परिवर्तन मांगता है, चतरा में तीसरा विकल्प आ चुका है, MIM पार्टी के उम्मीदवार है, क्रमांक संख्या 8 है, वोट दीजिए, जिताइए। 6 महीना के अंदर में चतरा का विकास करेगा। लेकिन चतरा में तो भोक्ता जी लड़ रहे हैं, रश्मि प्रकाश लड़ रही है, इसीलिए लड़ रहे हैं कि चेहरा उनका ही है रश्मि प्रकाश का, और लेकिन बैकफुट से वही है। और लोकतंत्र में कहीं भी ऐसा नहीं होता है भैया कि अगर हम नहीं लड़ सके तो मेरी बहू लड़ी। बाबू जी का पपौती है क्या भोक्ता जी का यहाँ पे? उनका बेटा कहाँ रहता है? दिल्ली में। एक बेटा कहाँ रहता है? रांची में। और हम लोग कहाँ रह रहे हैं? सड़क का धूल झाँक रहे हैं। ये तानाशाही रवैये नहीं चलेगा। कोई भी सात समाज को जेल भेजने में भोक्ता जी आगे रहते हैं, लेकिन जब विकास की बात बोलिएगा पेट पे हाथ ठोक देंगे। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को हटाना है। और जनार्दन पासवान के ऊपर भी लंबी फरियत है अपराधों की। ये जनार्दन भोक्ता को हटाना है और चतरा के विकास को करना है। लोग तो कह रहे हैं कि आप जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं। जनार्दन के लिए मेरा पार्टी MIM है और मेरा नाम सुबोध पासवानी, दोनों को छक्का छोड़ा दूंगा। और 50,000 के भारी अंतर से मैं जीत के बताऊंगा। ये उन लोगों को डर गया है, जनार्दन पासवान और सत्यानंद भोक्ता दोनों डर गए हैं कि जैसे ही ये युवा आया है, पैसे से इंजीनियर है, हम लोग की खटिया खड़ी कर दिया है। ऐसा कहाँ पे होता है कि इतने बड़े जिला में भोक्ता तो जनार्दन, जनार्दन तो भोक्ता रहे। ये दोनों भ्रष्टाचारियों को एक को पहले जेल में डालिए, दूसरा को पहले अपराधों के लिए सजा दिलवाइए, उसके बाद बात करें। MIM पर तो हमेशा आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए काम करता है, क्या कहते हैं? मेरा नाम सुबोध पासवान है। बीजेपी का कोई झंडा दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल के रख दूंगा सत्यानंद भोक्ता। जब उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कोयला ढो रहे हैं, सड़कों का ढूल ढाक रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अब परिवर्तन मांगता है चतरा, और एक पढ़े लिखे युवा को दीजिए। इस बार चुनाव में लॉन्टन और हेलीकॉप्टर का क्या हाल होगा? दोनों का हाल बहुत ही गत बुरा है। लॉन्टन चलेगा क्या? 700 रुपया सत्यानंद भोक्ता दे रहे हैं, 2 लीटर तेल और 1 पौवा दारू, यही हाल उनका है, यही हाल जनार्दन का है। ठीक है, जाम लगेगा।